हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। चलिए हम HTML का जो ट्यूटोरियल कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। HTML के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा शोर है, डिस्टर्बेंस है, आज जगह नहीं थी, स्पेस की शॉर्टेज है। वैसे तो हम हमेशा मतलब उसमें बनाती हूँ मैं साइलेंट माहौल में, लेकिन मैं चलिए थोड़ा बहुत अगर वॉइस आए पीछे तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा आज, ठीक है? तो हम जो है वो आज HTML का ट्यूटोरियल फिर से करते हैं। और जो है इस ट्यूटोरियल में आप लोग सुनेंगे, इस ट्यूटोरियल में आज आप एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट होता है मतलब किसी भी टैग में मॉडिफिकेशन। क्या होता है? किसी टैग का मॉडिफिकेशन, समझ रहे हैं? एट्रीब्यूट मीनिंग मतलब अगर हम फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे तो वी हैव टू डू प्लेस एट्रीब्यूट, हमें वहां पर एट्रीब्यूट लगाना होगा, या वी हैव टू पुट एट्रीब्यूट, ये कह सकते हैं, ठीक है? तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या हो गया? टैग मॉडिफिकेशन। थोड़ी मुश्किल से समझ में आएगा आपके, मैं मगर फिर भी आपको 3 ट्यूटोरियल में समझाने की कोशिश करूंगी, आज, कल और परसों, ठीक है? अब मान लीजिए आपको याद होगा मैंने आपको कई सारी फाइल्स बनवाई थी, कई फाइल्स बनवाई थी, उसमें आपको बॉडी टैग का यूज करवाया था, आपको याद होगा बॉडी टैग का यूज करवाया था। तो बॉडी टैग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइल खोलेंगे अपनी HTML फाइल जहाँ भी सेव है। फाइल ओपन करने के बाद टाइटल चेक करें इंसर्ट टी से, फिर उसके बाद आप ढूंढें बॉडी टैग पर आए, बॉडी टैग पर आए और बॉडी टैग पर आके लेस यहाँ पे होम करें। होम करने के बाद क्योंकि पहला यहाँ पर बॉडी टैग होगा तो, या फिर आप राइट एरो से बॉडी टैग के उस पर आए, लेस पर, लेस BODY बॉडी, और उसके बाद ग्रेटर हटा दें, स्पेस कर दें, क्या कर दें? ग्रेटर हटा दें, स्पेस कर दें, और अब हम यहाँ बैकग्राउंड कलर लगाते हैं पहले, तो यहाँ पे करते हैं BGCOLOR बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, यानी क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू बराबर का निशान, और फिर यहाँ पे कोट ओपन करेंगे। कोट ओपन कैसे करेंगे? शिफ्ट और टिक से कोट में आप जो कलर ग्रीन ब्लू ब्लैक जो भी देना चाहते हैं वो लिखें, कोट क्लोज करें, फिर ग्रेटर लगाएं, याद रखना फिर ग्रेटर लगाएंगे आप। तो आप बॉडी पे आए, बॉडी टैग पे, फिर क्या करेंगे आपको बता दिया मैंने, और लेस बॉडी यहाँ पर स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद लेस बॉडी के बाद आपको BG कलर लिखना है, बैकग्राउंड कलर स्टाइल के लिए अलग बताऊंगी, BG कलर लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू करेंगे, फिर कोट ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, कलर का नाम लिखेंगे, और कलर का नाम लिखने के बाद आप यहाँ ग्रेटर लगाइएगा, क्योंकि आप जान लीजिए ग्रेटर हमने हटाया था इसलिए अभी हमें ग्रेटर लगाना होगा, क्योंकि हमने ग्रेटर हटाया था तो अब हमें ग्रेटर लगाना होगा। तो लेस बॉडी स्पेस BG कलर, बॉडी टैग को का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, लेस यानी लेस बॉडी स्पेस, फिर BG कलर इज इक्वल टू कोट ओपन, फिर कलर का नाम, फिर ग्रेटर, और फिर आपने जो भी कुछ लिखा रखा है पहले से तो ठीक है, नहीं तो आपको क्लोज टैग करना होगा। तो बॉडी लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर और लेस स्लैश HTML ग्रेटर। अगर आपने कुछ और नहीं लिखा है, नई फाइल है, तो आप यहाँ HTML टैग को भी क्लोज करेंगे, बॉडी टैग को भी क्लोज करेंगे, फिर आप यहाँ कंट्रोल एस कीजिए, क्या करेंगे, कंट्रोल एस, ताकि ये पूरी फॉर्मेटिंग सेव हो जाए, फिर आप फाइल को क्लोज कर दें और अगेन ओपन करें और किसी से दिखवाएं जो कलर आपने अप्लाई किया है, वो आपका बॉडी पे अपना कर्सर लाएं और दिखवाएं कि वो आपका बैकग्राउंड कलर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? तो बैकग्राउंड कलर आपका आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको 3 ट्यूटोरियल में कम से कम समझ में आएगा, इतनी इजीली समझ में नहीं आएगा, मगर एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो बॉडी टैग में आप एक्सप्लोर कीजिए, बैकग्राउंड कलर लगाइए और फिर उसको सेव कीजिए और फिर दूसरों को दिखाइए कि क्या ये कलर जो है बैकग्राउंड कलर बदला है, जो लोग जानते हैं उन्हें दिखाइएगा बैकग्राउंड, वरना किसी किसी को तो समझ में नहीं आता बैकग्राउंड कलर क्या होता है, तो बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ या नहीं, ये बैकग्राउंड कलर किया है। हम 2-3 दिन इसको समझेंगे फिर स्टाइल कलर पे आएंगे। इस तरह आपको धीरे धीरे जो है एट्रीब्यूट्स को सिखाऊंगी मैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो याद रखिएगा मैंने, क्योंकि आपको
नई फाइल में नहीं बताया है, जो फाइल बना रहे थे उसी में कह दिया सेव। अगर नई फाइल में आप बनाएंगे तो नई फाइल में लेस बॉडी जो है और स्पेस, फिर जो कलर अप्लाई करेंगे ग्रेटर, फिर उसके बाद कोट में वो लेस बॉडी, फिर स्पेस, फिर आप बीजी कलर, फिर इक्वल टू, फिर कोट, फिर कलर का नाम, फिर ग्रेटर, फिर आपको जो बॉडी में लिखना है आप लिखें, जो भी कुछ करना है। नहीं लिखना है आपको HTML क्लोज, मतलब बॉडी टैग क्लोज करना है तो लेस स्लैश बॉडी क्रिएटर, लेस स्लैश HTML क्रिएटर करके क्लोज कर दें। और अगर आपने पहले से लिख रहा है तो ठीक लिखा है, जो क्लोज हो रखा था वो ओपन करा था उसको भी आपने ओपन कर दिया, क्लोज आपने कर रखा था, या क्लोज टैग को भी हटा लें फिर बाद में इसको क्लोज करें और ओपन करें, लेस बॉडी के बराबर स्पेस बना के करेंगे ये। तो ये आपको थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कुछ समझ में आया होगा, कल परसों में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।